वेलकम टू विटोर क्लासेस फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म स्टैंड्स फॉर थ्री पिलर्स। बुद्धिज्म के तीन पिलर्स होते हैं, आइए जानते हैं। बुद्धा, इट्स फाउंडर। बुद्धा कौन थे? बुद्धिज्म के फाउंडर थे। धम्मा, हिज टीचिंग्स। उनके टीचिंग्स को बोला जाता था धम्मा, वो जो पढ़ाते थे, ठीक है। संघा, ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नंस। संघा किसका ऑर्डर था? बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नंस का, ठीक है। चलिए डिटेल्स में पढ़ते हैं। बुद्धा के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। बॉर्न इन 563 BC ऑन द वैसाखा पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल। गौतम बुद्ध का कहाँ पे जन्म हुआ था? कब हुआ था? देखिए 563 BC में हुआ था। किस दिन हुआ था? वैसाखा पूर्णिमा डे के दिन, लुम्बिनी वृक्ष के नीचे कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल में है, ठीक है। हिज फादर सुद्धोधना वॉज द साका रूलर। उनके पिताजी जो थे वो साका के रूलर थे, राजा थे। उनका नाम था सुद्धोधना, ठीक है। हिज मदर महामाया, माता का नाम था महामाया ऑफ कोसाला डायनेस्टी, वो कोसाला डायनेस्टी के थी। डाइड आफ्टर 7 days ऑफ हिज बर्थ। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माता को महामाया का मृत्यु हो जाता है। ब्रॉट अप बाई स्टेप मदर गौतमी, उनकी सौतेली माँ का नाम रहता है गौतमी। मैरिड एट 16 टू यशोधरा। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा जी से होता है, उस समय उनकी उम्र रहती है 16 वर्ष। एन्जॉयड द मैरिड लाइफ फॉर 13 ईयर्स एंड हैड अ सन नेम्ड राहुल। उन्होंने 13 वर्ष तक अपनी बीवी के साथ रहा और शादी के बाद उनका एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। आफ्टर सीइंग एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ कॉप्स एंड एन एसेटिक, ही डिसाइडेड टू बिकम अ वॉन्डरर। वो वॉन्डरर मतलब जो घूमते हैं घुमक्कड़, ठीक है, बंजारा रमता जोगी आप कह सकते हैं। तो वो बनना वो कब सोचे? जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ठीक है, जब बूढ़े व्यक्ति के बाद फिर सिक मैन को देखा, मतलब जिसका तबीयत ख़राब था उस आदमी को देखा। फिर उसके बाद उन्होंने एक लाश को देखा और लाश को देखने के बाद वो एक तपस्वी को देखें, तब जाके तपस्वी को देखने के बाद अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब एक वॉन्डरर बनेंगे, मतलब रमता जोगी बनेंगे, ठीक है। अटेंड निर्वाणा और एनलाइटनमेंट एट 35 एट गया इन मगध बिहार अंडर द पीपल ट्री। उन्होंने मोक्ष कब प्राप्त किया? 35 वर्ष की उम्र में मोक्ष प्राप्त किया। एनलाइटनमेंट को आप बोल सकते हैं जानकारी, ज्ञान उत्पत्ति, प्रबोधन, ठीक है। और कहाँ पे उन्हें एनलाइटनमेंट मिली? मगध में, बिहार, जो कि बिहार में है, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। डिलीवर्ड द फर्स्ट सर्मन एट सरनाथ वेयर द 5 disciples हैड सेटल्ड। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सरनाथ में दिया था, जहाँ पे उनके 5 disciples मतलब 5 students अभी सेटल्ड मतलब बसे हुए थे उस समय। हिज फर्स्ट सर्मन इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर, ठीक है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग मुक्ति, मतलब उनका मृत्यु कब हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में कब? इन 483 BC एट द एज ऑफ 80, 80 वर्ष के आयु में। मल्ला रिपब्लिक एक महाजनपद है, मल्ला वहाँ पे हुआ था। वो अभी किस जगह? कुशीनगर आइडेंटिकल विथ विलेज कसिया इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, ठीक है। कुशीनगर
एक आइडेंटिकल विलेज है किसके, कसिया के, जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के। धम्मा, द फोर ग्रेट ट्रुथ्स, चार सच्चाई उन्होंने जो बताया था गौतम बुद्ध जी ने। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड माइजरी, दुनिया किससे भरपूर है, दुख से और कष्ट से। द कॉज ऑफ ऑल द पेन्स एंड माइजरी इज डिजायर, सभी दुख और कष्ट का कारण क्या है, डिजायर है, चाहत, इच्छा, ठीक है। पेन एंड माइजरी कैन बी एंडेड बाई किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर, कष्ट और दुख कैसे खत्म किया जा सकता है, जब आप अपने डिजायर, मतलब कुछ आप इच्छा रखेंगे ही नहीं या इच्छा आप कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ, एट फोल्ड पाथ मतलब वो बुद्धा के प्रीचिंग्स है जिसे हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग उन्होंने सिखाया था। द एट फोल्ड पाथ इट कंसिस्ट ऑफ राइट फेथ, मतलब सही आस्था, राइट थॉट, सही सोच, राइट एक्शन, सही कर्म, राइट लाइवलीहुड मतलब सही जीविका, रोजगार, राइट एफर्ट्स मतलब सही प्रयास, राइट स्पीच, राइट रिमेम्बरेंस, ठीक है, एंड राइट कंसंट्रेशन। बिलीफ इन निर्वाणा व्हेन डिजायर सीजेस रिबर्थ सीजेस, जब आपका इच्छा बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो पुनर्जन्म भी बंद हो जाता है, ठीक है, और निर्वाणा इज अटेंड, तब निर्वाणा प्राप्त होता है। निर्वाणा क्या है, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ बर्थ एंड डेथ, मतलब जीवन मरण से मुक्ति, आज़ादी। एंड रिबर्थ इज गेन्ड बाय द फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ, रिबर्थ पुनर्जन्म फिर कैसे गेन किया जा सकता है, पाया जा सकता है, ये आठ फोल्ड पाथ से, मतलब अष्टांगिक मार्ग से, जो गौतम बुद्धा ने उस समय सिखाया था अपने डिसाइपल्स को, स्टूडेंट्स को। अकॉर्डिंग टू बुद्धा सोल इज अ मिथ, गौतम बुद्ध के अनुसार सोल जो हमारा अंतः मन है वो किसके प्रकार है, वो है कल्पित कथा के प्रकार, ठीक है। बिलीफ इन अहिंसा, वन शुड नॉट कॉज इंजरी टू एनी लिविंग बींग एनिमल और मैन, किसी को हक नहीं है कोई दूसरे जानवर, पशु, इंसान को हानि पहुंचाना, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा, मैन रीप्स द फ्रूट्स ऑफ हिज पास्ट डीड्स, इंसान अपने कर्मों का फल भुगतता है। बुद्धिज्म काउंसिल्स, ये देखिए ये टेबल आप लोग अच्छे से याद करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। बुद्धिज्म काउंसिल्स, सबसे पहला देखिए, समय 483 BC, जगह राजगीर, उस समय चेयरमैन थे महाकसपा और राजा थे अजात शत्रु, ठीक है। दूसरा देखिए, समय 383 BC, जगह वैशाली, चेयरमैन सबाबा कमी और उस समय राजा थे कालाशोका। तीसरा देखिए, समय 251 BC, जगह पाटलिपुत्र, चेयरमैन थे उस समय मोगलीपुट्टा टिस्सा और राजा थे अशोका। चौथा AD 72 AD, जगह था कश्मीर, चेयरमैन वासुमित्रा और उस समय के राजा थे कनिष्का। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक्स पे आपको लेक्चर्स चाहिए, हम आप लोगों के लिए लेकर के तुरंत आएंगे, ठीक है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियोस हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए, और आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर कीजिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।